सबसे पहले अपना सबका नमस्कार। हम प्रज्ञा गुआ प्रकोष्ठ खगड़िया से अभिषेक कुमार आई अपना सबका एकटा बात बतबै लए अयलो छिए कि दिया रांची जे छे जे डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन रांची के द्वारा एक मिशन चलैलो जा रहल छे जे मिशन के नाम छिके एवरी संडे इको संडे। एहि मिशन के 75वां रविवार पूरा होइ रहल छे 30 तारीख। तो सबसे पहले तो दिया रांची का ढेर सारा शुभकामना हमरा सबके तरफ से, पूरा प्रज्ञा गुआ प्रकोष्ठ खगड़िया के तरफ से ढेर सारा शुभकामना। अपने सब जे ई मिशन चलाए रहल छिए, ये बहुत बड़ो काम अपने सब कह रहल छिए। और ए अवसर पर जे हमर वीडियो देखि रहल छ हुनको सबसे आग्रह छै कि आइ 30 जनवरी के जे ट्री प्लांटेशन होतै, ए ट्री प्लांटेशन में तहु सब भाग लो। कहने कि आइ केकरो बतबै के जरूरी नहीं छै कि वृक्ष कहने लगबै के चाहिए। वृक्ष आइ हमरो जीवन लेली सब बहुत अधिक महत्वपूर्ण छै। अच्छा सोचो तो हमरा जीवन में कितना काम लकड़ी से हुए छै, जितना भी फर्नीचर होइ छै सब लकड़िये से हुए छै। ओ केना बनबै छौ वृक्ष के काटी के? तो वृक्ष काटने तो गेलो, घर बनबै के हुए, तोरा फर्नीचर बनबै के हुए, चाहे तोरा और कोई भी काम, सड़के बनबै के हुए छै, पटरिये बिछबै के हुए छै, कितना वृक्ष कटि रहल छै। अंधाधुंध वृक्ष काटने जा रहल छी, लेकिन वृक्ष लगबै कभी हमें प्रयास नहीं करलिए। जय गति से कहल जाय छै कि यदि जय गति से वृक्ष कटल जा रहल छै, अगर ओकर डेढ़ गुना स्पीड से, डेढ़ गुना रफ्तार से अगर वृक्ष नहीं लगेलिए तो फिर वातावरण में असंतुलन पैदा भए जेतै। एहि से वातावरण में संतुलन बनबै लेली से हमरा जय रफ्तार से वृक्ष काटि रहल छिए, ओकर डेढ़ गुना वृक्ष हमरा लगबै लए पड़तै, तब जे छै प्रदूषण से भी बचबो, आइ जे तरह तरह के महामारी सबके सामना करै पड़ै छै ओहो सबसे बचबो। वृक्ष जे छै बाढ़ आबै छौ, बाढ़ में मट्टी काटि के लैके चलि जाइ छै, तो मट्टियो के क्षरण हुए से बचबै छै वृक्ष। एहि लए से वृक्षारोपण जे छै बहुत अधिक आवश्यक छै। तऽ अपनो सबसे आग्रह छै, हाथ जोड़ी के विनती छै कि अपनो सब 30 जनवरी के एकटा वृक्ष लगाए के दिया रांची के जे ये मिशन छिके और ओकर 75वां रविवार जे मनायल जेतै ओकरामे तहु सब सेलिब्रेट करियौ। तो ढेर सारा धन्यवाद, खूब खूब शुभकामना, मंगल कामना अपनो सबके का।